डॉक्टर्स का नहीं, पर वो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 लाख से 15 लाख रुपए तक बिल हमारे रिलेटेड लोगों ने दिए हैं, और ये आपको भी अच्छी तरह के से पता है मिनिस्टर साहब। और दूसरी, जिस तरीके से जिस वैक्सीन से हमारा ट्रीट होता है हॉस्पिटल में, एक तो रेमडेसिविर और तोसिला जोमैप जो है, मंत्री साहब बोलते हुए दुख महसूस होता है कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग ने जाकर अपना ट्रीटमेंट किया है, जिस वैक्सीन की कीमत, जिस वैक्सीन की रेट, इट इज ओनली 4,000 रुपीज। माई सेल्फ, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस मेडिसिन, कि आई हैव पेड फॉर दैट मेडिसिन वैक्सीन फॉर 11,500 इन तोसिला जोमैप। आई हैव सीन माई फैमिली रिलेटेड पर्सन हु हैव गॉट दिस तोसिला जोमैप, वॉट इज द एक्चुअल प्राइस इज 38,000 रुपीज एंड वी हैव गॉट इट फॉर 1 लाख रुपीज। सो आई जस्ट वॉन्टेड यू टू मेक अ स्क्वाड ऑन दैट, कि जितने भी लोग इस पे ऐसी ब्लैक में इस दवाइयों को, इस वैक्सीन को सेल कर रहे हैं, उस पे कानून लगाया जाए और उस पे एक्शन किया जाए। ये मेरी आपसे मांग करती हूँ। लास्ट वन मिनट सर प्लीज, आई वोंट आस्क यू एनीथिंग। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसके लिए मैं आपसे मांग करूंगी कि आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र पे राष्ट्रपति शासन लागवन करके, केंद्र ने उसको ओवर रूल करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को बचाने का काम ये केंद्र करे, मैं आपसे दिल से विनंती करती हूँ। लास्ट वन मिनट सर। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि माझा गांव माझी जवाबदारी, ये मेरा गांव और मेरी जवाबदारी है। महाराष्ट्र के हमारे सीएम वो घर में बैठकर, अपनी सीट पे बैठकर, चेयर पे बैठकर अपनी जवाबदारी दिखा रहे हैं, पर मुझे उनसे एक प्रश्न करना है कि आप कब बोलेंगे कि माझा महाराष्ट्र माझी जवाबदारी? अरे घरात बसून कोणाला जवाबदारीचा अनुभव येत नाही। जर अनुभव, एक मिनिट सर लास्ट का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से शरद पवार साहब 80 साल के होने के बावजूद पूरे पूरे गांव में और पूरे जिलों में महाराष्ट्र में घूमते हैं, अरे ये यंग सीएम होने के बावजूद एक भी जिले में जाकर इन्होंने